नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड एम्पायर पर। तेजस्वी प्रकाश ने कंफर्म किया करण के साथ अपना रिलेशनशिप। करण कुंद्रा जो कई सालों से अनुष्का दांडेकर के साथ रिलेशनशिप में थे, उनका इसी साल एक्ट्रेस से ब्रेकअप हुआ। हालांकि कुछ दिनों से वहां तेजस्वी प्रकाश के साथ अपने बॉन्ड को लेकर चर्चा में है। बिग बॉस 15 के लव बर्ड्स करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में। दोनों ने शो में एक दूसरे को लेकर अपनी फीलिंग्स शेयर की है। हाल ही में मीडिया के अपने सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते की खुलकर बात की है। दोनों ने इस बात पर क्लियर कहा कि उनका बॉन्ड सिर्फ इस शो के लिए नहीं है। वहीं तेजस्वी ने रिलेशनशिप को कन्फर्म भी कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों की बातों से फैंस काफ़ी खुश हुए। तेजस्वी ने यह भी कहा कि उन्हें करण के साथ उम्र के फासले को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। वहीं करण रिलेशनशिप के सवालों को चकमा देते हुए नजर आया। करण ने कहा कि मैं दिल से इस गेम को खेलने आया था, ना कि किसी के दिल से। शो में लव एंगल को लेकर वो मेरे दिमाग में कभी नहीं रही। मैंने बिग बॉस के ज़्यादा सीजन नहीं देखे हैं। मेरे कुछ ही दोस्त हैं रियल लाइफ में जो इस शो का हिस्सा रहे हैं। कुछ इस शो के विनर भी रहे हैं तो कुछ ने एक दूसरे से शादी भी की है। शो में आने से पहले मैंने कई इंटरव्यूज़ में कहा कि मैं बिग बॉस में प्यार ढूंढने नहीं जा रहा हूं। लेकिन शो में आने के बाद मुझे तेजस्वी जैसी चैंपियन मिली और उमर जैसा दोस्त। ये सब चीज़ें मैंने प्लान नहीं की थी, ये बस सब हो गया और मेरे कंट्रोल में नहीं था, ये दिल का मामला था। वहीं तेजस्वी ने कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ये इमेजिन नहीं किया था कि मैं रियलिटी शो में प्यार के चक्कर में पड़ूं। मैंने हमेशा मेल एक्टर्स से दूरी बनाई है क्योंकि मैं किसी अफवाह का हिस्सा नहीं बनना चाहती। वहीं करण ने कहा, अभी जो मेरी उम्र है उस हिसाब से मैं रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि तेजस्वी ये सब समझती है। तेजस्वी की तरफ से मैं बॉयफ्रेंड हूँ। वहीं तेजस्वी ने कहा, मेरी तरफ से मैं उम्र को लेकर कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो पहरेदार पिया जैसे शो किए हैं। इतना ही नहीं, मेरे पिता मेरी माँ से 10 साल बड़े हैं। तेजस्वी ने कहा, मैंने करण को नेहा भसीन से बात करने से मना किया था क्योंकि उन्होंने करण को कहा था कि मेरे पीछे कुत्ते के बच्चे की तरह आना बंद करो, और वो मेरे सामने हुआ था। अब जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ उसे कोई कुत्ते का बच्चा कहे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं चुप नहीं रहूँगी। मुझे करण बहुत पसंद है और अगर कोई उन्हें कुछ गलत कहेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। आगे भी उन्हें कोई कुछ बोलेगा तो मैं चुप नहीं रहूँगी। तो दोस्तों, आपका क्या है कि ना करण और तेजस्वी के रिश्ते को लेकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही कमेंट सेक्शन में यहाँ भी बताइएगा कि आपके हिसाब से आपके अकॉर्डिंग टॉप 5 में कौन आने वाला है। क्या करण और तेजस्वी टॉप 5 में आने वाले हैं? बाकी इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।